किसी के साथ आपको रोजाना की बिना पे भिड़ने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में खासतौर पे ये सिबलिंग्स की आपस में जो लड़ाइयों के मसले हैं ये भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ को एग्जिस्टिंग ऑल द टाइम, राइट। सो आपने अपना जो टेम्परामेंट है उसको बिल्कुल काम एंड कूल रखना है। आपको पूरे दिन में किसी के साथ भी जाके सख्त अल्फाज में या टफ वर्ड्स के अंदर बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक दफा भी गुस्सा चढ़ा लिया अपने आप को, उस चक्कर में आपने अपने कई घंटे वेस्ट कर लेने, राइट। तो मेंटली अपने आप को अपने हेल्दी रखना है, काम को रखना है और फिजिकली हेल्दी भी रखना है। इसके लिए आप एक्सरसाइज करें। अगर घर से बाहर नहीं भी जा सकते तो होम वर्कआउट के नाम से एक ऐप है, एंड्रॉयड पे भी iOS पे भी, आप उस ऐप को इंस्टॉल करें। कोई क्लियरली आपको डेली बेस पे डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाता जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली, इंडिविजुअलाइज्ड वे में, और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। एक अच्छी बॉडी के अंदर ही अच्छा माइंड होता है। सो यू हैव टू लर्न टू स्टे हेल्थी फिजिकली एज वेल। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्टे मेंटली एंड फिजिकली हेल्थी। बहुत सारे बच्चे वो मेंटली सिक हो जाते हैं या फिजिकली स्ट्रेस की वजह से वो अनवेल हो जाते हैं, और उस वजह से बेचारे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते। देखें, एज अ स्पोर्ट्समैन आपका स्पिरिट क्या होना चाहिए कि आपने अपने आप को जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि ऑन द डे ऑफ द स्पोर्ट्स, जिस दिन आपने खेलना है, जिस दिन आपका मैच है, उस दिन आपने परफॉर्मेंस देनी है, राइट। तो उस दिन के लिए भी अपने आप को हेल्दी रखें।